आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी, 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। देश में ओमिक्रॉन के 213 केस, दिल्ली में 57 और महाराष्ट्र में 54 मामले आए सामने। लोकसभा में बूस्टर डोज बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया स्थगन प्रस्ताव। चुनाव से पहले हरिद्वार और हल्द्वानी में खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, चीनी नागरिकों की वतन वापसी पर स्थिति स्पष्ट करे प्रदेश सरकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने से पहले के समय में भाजपा पूरा लाभ उठाने में लगी हुई है। प्रदेश में चल रही विजय संकल्प यात्रा के दौरान होने वाली सभाओं के लिए पार्टी द्वारा जिस तरह अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारे जा रहे हैं, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस क्रम में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में उत्तराखंड के 3 दौरे कर चुके हैं। जिसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह 1 जनवरी को देहरादून महानगर क्षेत्र में विजय संकल्प यात्रा के तहत रोड शो में शामिल होंगे। इसी दिन उनका सहसपुर क्षेत्र में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं अब खबर रुड़की से है, जहां प्रथम महिला वॉलीबॉल लीग का आयोजन मेवाड़ के पास ही एक कॉलेज के मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड राज्य के पूर्व राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद और वरिष्ठ आप नेता इंजीनियर शादाब आलम ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि शिक्षा जहां बच्चों को संस्कारता बनाती है, वहीं खेलों से इनका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आगे इन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये एक आप समझ लीजिए बेटियों के लिए, एक आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए एक पहली शुरुआत है पीरानकली और विधानसभा में, कि क्यों नहीं हमारी बेटियां आगे बढ़ सकती, आगे पढ़ सकती, और हमारी बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यहाँ का जो आप मान लीजिए, ये वो जगह है जहाँ पे आज भी घोड़े तांगे चल रहे हैं। यहाँ पे रोडवेज बस अड्डे नहीं है, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है गर्ल्स के लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे होना चाहिए, उसके योगदान के लिए ये हमने दिखाया है कि क्यों पीरान कलियर में हम किसी भी चीज़ से वंचित रहने देंगे अपनी बेटियों को, या क्यों वॉलीबॉल लीग का पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है, आज उसकी शुरुआत है। और इसके लिए जो इनके दायित्वधारी हैं जिन्होंने यहाँ पर कॉलेज को चुना, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसका जो आयोजन रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्थान चुना, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और शादाब भाई और जो सूरज रोड जी हैं जिनके प्रयासों से चुनाव के वक्त राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने की कवायद में जुटे रहते हैं। एक दूसरे पर प्रहार करने के किसी भी मौके को कोई गवाना नहीं चाहता है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में और चुनावी रणनीति के बीच उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की देहरादून में मुलाकात हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को जन्मदिन की बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। एक सवाल ने पूरे माहौल को ठहाके में तब्दील कर दिया। हुआ यूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से हरीश रावत ने उनकी उम्र पूछ ली और कहा कि अब कितने साल हो गए हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत को कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। कहा कि बीजेपी में सही उम्र बता दी तो रिटायरमेंट भी हो जाता है, और कांग्रेस की तरह नहीं कि उम्र बढ़ा दी जाए तो नेता चलाए जाए। हरिद्वार में बैठक का आयोजन किया गया जो सैनी धर्म आश्रम में हुआ। साथ ही हरिद्वार जिले के हर विधानसभा के कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों को बुलाकर उनसे हाईकमान के अधिकारियों ने उनसे बातचीत की कि किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में क्या तैयारियां हैं। हर भावी उम्मीदवारों का इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें हर
भावी उम्मीदवार ने अपनी अपनी योजनाएं बताई। जैसे ज्वालापुर के भावी उम्मीदवार रवि बहादुर ने ज्वालापुर विधानसभा में सड़क का विकास नहीं हुआ है, विद्यालय नहीं बने हैं और बच्चों को डिग्री कॉलेज नहीं मिले, ऐसे हर योजना का हाईकमान को बताया जाएगा, जिसमें हर उम्मीदवार ने अपनी अपनी योजनाएं हाईकमान को बताई। उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य आज आए हुए हैं, उन्होंने सभी दावेदारों से आवेदन जिन्होंने किया है उनसे आज इनको लिया, उन्होंने उनसे पूछा कि आपका जीता हुआ आंकड़ा क्या है या आप क्या चुनाव की को किस तरीके से आप जीतेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके पास। तो हमने उस विषय पर बात की, हमारे क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी है और महंगाई है, ये कहने का बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्षेत्र के अंदर पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य। कलियर विधानसभा के ग्राम इमली में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता और वरिष्ठ समाज सेवी मुनीश सैनी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से आयोजित किया गया। इसमें विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन बनाए गए। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पंकज पाल ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उससे लोग लाभान्वित होते हैं। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो भारत के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए। लगाया गया है कि माननीय मुनीश सैनी जी के द्वारा हमारी टीम साहब से प्रशासन से करके और हमारी विधानसभा में जो है चार शिविर लगाए गए हैं। पहला हमारा गुम्बा वाला माजरी में लगाया गया था, दूसरा धोरी में, तीसरा भारापुर में और आज चौथा जो ये बहुत से कैंप है आज इमली खेड़ा गांव में इसका आयोजन किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सक्षम नहीं हो पाते कि वो कोर्ट कचहरी वगैरह में जा पाए या कुछ भी कर पाए, अधिकारियों के पास जा पाए, तो आज सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जो भी चाहे वो विकलांगता पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसान पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांगता के। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीएम काला ढूंगी रेखा कोहली, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और तहसीलदार प्रियंका रानी ने कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान एसडीएम कोहली ने कहा कि अपनी अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी भूल चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस को सही से समझ लें ताकि चुनाव के दौरान किसी परेशानी से बचा जा सके, और साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आदर्श आचार संहिता के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी दी। समीक्षा के दौरान एसडीएम कोहली ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सभी कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारियों की होगी। देखिए, 60 काला डूंगी हमारी विधानसभा में हमारे द्वारा 6 जोन बनाए गए हैं और 15 सेक्टर्स बनाए गए हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग सेशन आज यहाँ पे हम लोगों ने रखा था। हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इनकी ट्रेनिंग्स हुई है और इनको अपने जा के अपने सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं, क्या हमारे क्रिटिकल हैं, क्या वल्नरेबल हैं, ये इनको वहाँ पर जाकर देखना है। और हमारे जो पोलिंग बूथ हैं उसमें हमारी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इनको सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं आज हमारे सभी यहाँ पर कर। लक्सर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लक्सर में जनसंवाद किया। इस दौरान लक्सर, खानपुर सहित जिले के विभिन्न जगहों से आए लोगों ने उनको अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसंवाद का मतलब है कि लोगों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनसे पुलिसिंग के संबंध में सुझाव प्राप्त करना। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से आदेश किया गया है कि कम से कम 3 महीने में एक बार हर थाने में जनसंवाद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि लक्सर में आकर उनके तरफ से जनसंवाद किया गया है और यहाँ की बहुत सारी समस्या भी हैं जो उनके संज्ञान में आई हैं, जल्द ही समस्याओं का समाधान निकाले जाने की बात भी कही। देखिए, जनसंवाद का पर्पज है लोगों के बीच आकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए हर थाने में। तो किसी में SSP जाएंगे, किसी में SP एडिशनल SP जाएंगे, किसी में DIG जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था, ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी हमारे संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ गाड़ियों से संबंधित है
और कुछ जो है लोगों की समस्याएं जो ड्रग्स और ट्रैफिक आदि को लेकर के थी, तो सब के बारे में हमने गहराई से सुना है और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल। गंगोली हाट विधानसभा के कचौड़ी से विजय संकल्प यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी का रथ बेरी नाग जीआईसी मैदान पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधायक मीना गंगोला ने उनकी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं विधायक मीना गंगोला ने अपने चार वर्ष आठ महीने के दौरान किए गए विकास कार्य के बारे में लोगों को बताया। वहीं लोकसभा सांसद अजय टमटा सांसद ने कहा कि कोविड-19 दौरान सरकार ने फ्री राशन देने का काम किया और फ्री वैक्सीन लगाए और क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को लेकर जनता से वोट देने की अपील की और इस दौरान रैली प्रभारी पुष्कर काला सहित कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विजय संकल्प यात्रा का पड़ाव बेरीनाग ब्लॉक गंगोलीहाट विधानसभा का बेरीनाग ब्लॉक में पड़ा, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ा और मैं विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के ओने कोने से आए हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने इस सफल कार्यक्रम में भागीदारी करी और मैं माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो इस रैली में भागीदारी करी और उससे संदेश जाता है कि अवश्य ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव का पारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही राजनीतिक दल भी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। भाजपा की विजय शंखनाद रैली के बाद जिले में कांग्रेस ने भी हरिद्वार सम्मान यात्रा का आगाज किया। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने भगवानपुर विधानसभा में यात्रा की शुरुआत की जो जनपद की तमाम विधानसभा में निकाली जाएगी। भगवानपुर से हरिद्वार सम्मान यात्रा के आगाज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूरा विश्वास है कि हरिद्वार की जनता यात्रा को अपना भरपूर समर्थन देगी। रावत ने दल बल की राजनीति से सवाल पर कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता समझ चुकी है और भगवानपुर ने कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली जीत होगी। वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि ये रैली जो विधानसभा भगवानपुर में निकाली जा रही है इससे साफ पता चलता है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रही भीड़ भी भाजपा से परेशान है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की जनता कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेगी। हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की दुआओं से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी उसी तरह से कार्य होंगे जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर के रुक गए थे। मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो सपने अधूरे रह गए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करते हुए उन कार्यों को पूरा नहीं किया है और अब हमारी सरकार आएगी, भगवानपुर की सम्मानित जनता के सारे कार्य पूरे होंगे, उनके सभी सपने पूरे होंगे। जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी भाजपा तो पाखंड कर रही है, उनकी यात्रा उबाऊ है, लोगों में जोश नहीं है और कांग्रेस की यात्राओं में चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे सम्मान यात्रा हो, चाहे वीरग्राम प्रणाम यात्रा हो, कोई यात्रा हो, उस यात्रा में लोगों में जोश है, लोगों में जुनून है, उत्साह और उमंग से भरपूर है। तो ये लोगों की भावना चीख चीख करके कह रही है कि उत्तराखंड में 2022 में परिवर्तन आ रहा है। लक्सर के बालावाली गांव में कुछ रोज पहले खेत में जा रहे किसान की ट्रैक्टर से उतरकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें परिजनों की ओर से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन लक्सर कोतवाली पुलिस अभी तक किसी भी हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी ना होने को लेकर गुस्साए परिजन आज सैकड़ों की संख्या में लक्सर कोतवाली पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने जमकर हंगामा काटा। गुस्साए परिजनों ने कोतवाली गेट पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बिगड़ते मामले में खानपुर विधायक वर प्रवण सिंह चैंपियन ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलझाने की कोशिश की। साथ ही खानपुर विधायक ने डीजीपी अशोक कुमार, पुलिस कप्तान डॉक्टर योगेंद्र रावत और लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस चौहान के साथ एक बैठक की, जिसमें इस बात पर सहमति जताई गई कि लक्सर पुलिस तत्काल आरोपियों के खिलाफ कुर्की करने की कार्रवाई करेगी, साथ ही आरोपियों पर इनाम की घोषणा की जाएगी। ये
आज पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी ने लक्सर में जनता जनसंवाद आयोजित किया, जिसमें पूरी जनपद से जो शिकायतकर्ता थे, जो बेचारे मुलाकाती थे, वो आए, अपनी बातें उन्होंने रखी। बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा। मैंने कंसेप्ट में वो चीज़ उठाई थी, ये जो घटना हुई है इस घटना का हम विरोध करते हैं और आपको जो आमूलचूल परिवर्तन करना है वो करिए। तो डीजी अशोक कुमार जी एक बड़े एक्सेप्शनल आईपीएस अफसर हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बगैर कहे बात को समझ लेते हैं। इन्होंने आते ही उसकी जांच चेंज कर दी, जांच अब सीओ मंगलौर करेंगे इस केस की। दूसरी हमारी मांग ये थी कि उनके ऊपर इनाम घोषित किया जाए, तत्काल डीजी साहब ने उसमें इनाम घोषित करा दिया। भाजपा विजय संकल्प यात्रा डीडीहाट पहुंची, जिसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, सांसद अजय टमटा, प्रदेश चुनाव प्रभारी पुष्कर काला और ब्लॉक प्रमुख बबिता चुफाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में डीडीहाट के गाँव गाँव में विकास किया है और सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई है। यात्रा जो आज डीडीहाट पर पहुंच ली है, डीडीहाट में जो अपार जन समूह है, पूरे बाजार में देख रहे हो कि पूरे ठंडे गंजे है, भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचा है। इसलिए पहुंचा है कि मेरी पार्टी है और मेरी पार्टी का आज विजय संकल्प यात्रा यहां पर पहुंच करके कार्यकर्ता घर घर से स्वतः निकल कर यहाँ आएगा इस यात्रा से। और ये जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ को देख के स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में 2022 में विधानसभा चुनाव में और इसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई रोक नहीं सकता। इसे विजय संकल्प की यात्रा चल रही है। विजय संकल्प यात्रा कितने भी कोई भी भारतीय पार्टी कितना ही करे, इसे विजय संकल्प यात्रा को कोई भी रोक नहीं सकता। 2022 में उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।